तारीख 28 अक्टूबर 2022, समय हो गया 06:57 PM। ट्रांसपोर्टर मूवी देखी है? एक्चुअली ट्रांसपोर्टर मूवी ना सत्य घटनाओं पर आधारित है। वर्ल्ड में एक ऐसी लॉबी है, एक ऐसा बिजनेस है जो माफिया, अंडरवर्ल्ड, टेररिस्ट, वाइट कॉलर, नॉन टेररिस्ट, मतलब सब में चलता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो इस बिजनेस को चलाता है, इस पे कोई हाथ नहीं डालता क्योंकि ये बहुत ऑनेस्टी पे चलता है, ईमानदारी पे। और ये बिजनेस है ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर जो होते हैं। ट्रांसपोर्टर मूवी में जेसन स्टेथम को आपने देखा है? इसने ट्रांसपोर्टर बिजनेस का ऐसा सत्यानाश करा, अपना क्लाइंट ही मार दिया। इसके क्लाइंट ने इसे पैकेट दिया, लड़की थी साथ में, तो पर्सनल क्यों हो रहा है यार उसके साथ, तो डिलीवर कर जो दे दवा के यार। क्लाइंट ही मार दिया। लड़की किसी को, तुझे क्या मतलब है? ट्रांसपोर्टर के बिजनेस में मतलब काम तो मेरा भी यही है, पर हम किडनैप नहीं करते भाई। हमारे को किसी ने कहा कि ये मैडम है, इनको फला जगह पहुंचाना है, बैठिए। अब रास्ते में वो मैडम के साथ आशिकी नहीं चल रही थी कि बेटा ऑडी चला रहा फुल स्पीड में, और दूसरा कैश का मामला। भाई कैश अगर किसी ने दिया 10 लाख रुपए, तो भाई वो 10 लाख रुपए पहुंचेगा उस तक। उसने अकाउंट नंबर दे दिया, अगर उसने कहा ये कैश है फला अकाउंट में जमा कराना है, तो करा देंगे जी, अकाउंट नंबर चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, कैश डिपॉजिट है। समझ में आई? कैश डिपॉजिट हो जाएगा, फिर जो हमें हमारा खर्चा दिया जाएगा वो हम रखेंगे, अपना मस्त रहेंगे, हमें क्या मतलब भाई। और ऐसे पे कैश पे और उस पर रेड नहीं हो सकती, सीधी बात है जी, हम तो ट्रांसपोर्टर हैं जी, हमारा काम, और इसमें कोई लाइसेंस नहीं होता है, ईमानदारी का खेल है जी, भला है जिसको हम पहुँचाना है, बात करते हैं। वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर है, ऊबर, ओला, ये ट्रांसपोर्टर ही हैं। आपकी ईमानदारी पे बिजनेस टिका हुआ है, ऑटो ड्राइवर कह लो चाहे, कई बार किसी के लिए काम करते हैं, कई बार खुद भी चलाते हैं। ईमानदारी पे टिका है बिजनेस, और कहीं नहीं टिका हुआ। और पुलिस की रेड हो नहीं सकती कैश पे, चाहे कितना भी हो। ऐसे में अगर पुलिस रेड करती है तो लूट मानी जाती है। बस तुझे क्या मतलब है भाई, फला जगह पहुंचना है तो पहुंचना है ना, हमारा काम है पहुंचाना भाई, कैश है कैश, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, कैश तो कैश है। रिसीवर के पास पहुंच गया, रिसीवर अपने आप समझेगा, हमारे को क्या मतलब है। ट्रांसपोर्टर पे हाथ नहीं डालता कोई, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टर पे हाथ डाल दिया तो सप्लाई लाइन ठप है हर जगह की, रिटेल बंद है। हम सिर्फ ड्रग्स होता है ना, ड्रग्स ट्रांसपोर्ट नहीं करते, और ह्यूमन फ्लैश। हाँ बोल तो भाई, अगर कोई मर मरा गया है तो उसे मुर्दा गाड़ी में डाल के पहुंचाएंगे, वो कटा पटा वो सब नहीं होता। और अब जैसे इसमें एक माफिया है या कुछ भी है, उसने कहा भाई ये फला कैसे, ये तेरे लिए
और ये पैकेट फला जगह पहुंच जाना चाहिए। तू उसमें डॉक्टर ही क्या कर रहा है, छोड़ ना, सूट गैस बंद है, पहुंचा दे। दोनों तरफ सेंडर और रिसीवर भी कभी आप पे शक नहीं करेंगे, वो पता है कि खोला ही नहीं है जी। हाँ ये है जी, आपने बैग दे इतने हैं इसमें, हाँ जी ठीक है जी, वहाँ जाकर बोल दीजिए इतने भेज रहे, बात करता हूँ। अगर काउंट करने के लिए बोले तो ठीक है जी, काउंट कर देंगे बैठ कर, समझ में। पर ऐसा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो एक दूसरे को जो भेजते हैं जब पैसे की डील में, तो गड़बड़ नहीं करते। सिक्योर पहुंचाने में पैसे में देर हो जाए भले, इतनी भी नहीं, पर सिक्योर पहुंचाना है तो पहुंचाना है। क्यों, बस इतनी सी बात होती है। जेसन ने तो अपना क्लाइंट ही मार दिया धमाके से। क्या पिक्चर है, क्या ट्रांसपोर्टर है। और पिक्चर का टाइटल पता है क्या लिखा था, ट्रांसपोर्टर। मुझे एक असाइनमेंट मिला आज, पैकेट ढूंढना है। मैं ठीक है जी, अब किसी बहुत बड़े साहब की लड़की है, इंजर्ड हो गई है, कहाँ है नहीं पता कुछ भी। पॉसिबल लोकेशन जो कॉल ट्रेस हुई एक, वहाँ गए अभी देख के आए, वहाँ डिटेल दे आए अपनी। तो बाय चांस अगर ऐसा कोई केस आ जाए, ये तो ज़रूर पता है कि वो इंजर्ड है, तो आप इस नंबर पे इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, नहीं नहीं ऐसे वर्ल्ड में बहुत ट्रांसपोर्टर्स हैं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ मर्सिडीज लेकर के ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस नहीं होता भाई साहब, जो चीज़ जहाँ पहुँचानी हो पहुँचा देंगे, वो हमारी जिम्मेवारी है, ठीक है। अच्छा खर्चा होना चाहिए, खर्चा पकड़ा तो आप हमारा, हम तो कर देंगे काम, और करना क्या है। साथ में नहीं, फिर वो पता लगा लिया, फिर एक जगह एक हॉस्पिटल में जा करके बोल के आ गए, तैयारी करके रखो सब। मैं कल लड़की मिल तो गई है, ले के आ रहे हैं उसे, बहुत दूर है ना, बाय रोड निकालेंगे पहले, तो गाड़ियां पहुंची हुई हैं, मुझे पता है वहाँ भसड़ पक्का होगी, वहाँ एक टीम और पहुंच रही है, एक क्या 7-8 टीमें पहुंचेंगी उसे उठाने के चक्कर में। वो लड़की इंजर्ड है, नहीं मेरी टीम से पंगा लोगे तो देख लो भैया। उन्हें पता है जब हितेश खुद ड्यूटी पे लग गया तो अब उसके बाद सब पिटेंगे। देखो क्या होता है, मैं काफी इंजर्ड है, ट्रोमा सेंटर तैयार करवा रहे हैं, ट्रोमा सेंटर में ला रहे हैं। वहाँ ट्रॉमा सेंटर है ना, जहाँ पे डिस्टेंस है कोई 600 किलोमीटर। देख रही बाय एयर पे दिक्कत ये है ना कि एल्टीट्यूड पड़ जाएगा ना, बाय रोड ही निकालेंगे, वही निकल गई गाड़ी है इतनी देर में, लेक्सस। वो भी लेक्सस SUV 4x4। ठीक है भाई, जेसन भाई आपके पास ऑडी है, मर्सिडीज है, मान ली बात। या तो लेक्सस चलती है या फोर्ड चलेगी। वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा है भाई साहब, 140 किलोमीटर पर आवर। लकी को मारने के चक्कर में थे उस दिन, मैंने कहा देखते हैं भाई चल गई गाड़ी तो ठीक है, नहीं चली तो भी ठीक है।
लक्की का पिप्पा हो जाता उस दिन वहां पे, मुझे नहीं पता यही बता रहे थे। फोर्ड फोर्ड आइकॉन थी गाड़ी यार, गजब है भाई साहब, भरभराई नहीं गाड़ी। एक होता ना गाड़ी चले तो भरभराने लग जाए, वैसे नहीं गाड़ी भाई साहब। 120 140 बन गई फर्स्ट क्लास। मतलब डिस्टेंस जो है सामने आठ, अंदाजा लगा लेते थे कि 5 से 8 किलोमीटर आगे खाली एरिया चाहिए हाईवे पे, उससे कम है तो ब्रेक। 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम है, 100 मीटर जानते हो कितना है, 5.7 सेकेंड। आज तक नहीं तोड़ पाया उसेन बोल्ट भी, 5.7 सेकेंड है। 57 100 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड। हाँ जी मेरा है भाई साहब इतेश, ट्विटर हैंडल @ इतेश रेवन। और गाड़ी चलाने में वो क्या बात कर रहा है, फॉर्मूला वन भी चला के दिखा दे तू, कंटिन्यूस चलाई है बेटा 120 140 पे कंटिन्यूस। और गाड़ी ने भी साथ नहीं छोड़ा भाई साहब, वो लग रहा था मैंने कहा इंजन स्किप ना मार जाए, रत्ती भर भी नहीं, कई हल्का सा भी जो है कहीं भी एक्सीलेटर नहीं फंस रहा। मतलब जितना स्मूथली रेस दे रहा वैसे ही स्पीडोमीटर पे कांटा भी मूव कर रहा है, यानी जर्क नहीं मार रहा कांटा। एक होता ना स्पीडोमीटर में कांटा भी जर्क मार दे ऐसे, ना 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 ना, एकदम टक आराम से चल रहा वैसे ही ऐसी तैसी। मुझे पता है क्या लग रहा, मेरी हाइट कितनी थी, मैं ऐसे देख रहा नीचे मेरे को साफ सड़क दिख रही, देखा ये एसपीजी स्पीड चल रहे थे। लक्की उठा पता क्या कह रहा, 4 घंटे में धर्मेंद्र के गांव से यहाँ लगा दी मुत्तल, 4 घंटे के अंदर तेरी तो। लक्की कह रहा ओए कहाँ गए वे, ना वो मजनू का टीले के पास दी थी गाड़ी मैंने, वहां मजनू गड्डी वो नहीं है कूड़े का पार्ट जो वहां के बाद मैंने कहा मजनू का टीला शहर आ गया, अब तू चला ले कर आप, मैं चला लू, अब तू कैसे लेके आया भैया। मैं कहा यार गाड़ी है जैसे आ रही थी वैसे आ गई, क्या दिक्कत है। तो जेसन साहब मुझे मुझे पसंद आई आपकी स्टाइल, जेसन वर्सेस इतेश, आई डोंट केयर एनी टाइम, कोई चिंता नहीं है सर, कोई चिंता नहीं है, समझ में आई। बंदा कब है कपाल भारती इसे नहीं कहते भाई, ये तो जिगजैग ड्राइविंग है, ये कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड देख 110 120 के ऊपर जाने के बाद गाड़ी रख एकदम कॉर्नर पे, फिर निकाल दे गाड़ी पूरी स्पीड में, आगे आगे पुलिस वालों को पायलट कार निकालनी पड़ गई थी पंजाब पुलिस को, सर पकड़ के बैठे हुए, अरे वे कौन आदमी है 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पायलट जिप्सी बकरी पंजाब पुलिस की, कह रहे अबे धीरे, अबे कह रहे तो गलत कहाँ चला रहा है। और फोर्ड वालों ने फोन कर दिया कि बैठ के लड़ो, अगर किसी ने पंगे लिए ना पाम मारेंगे बहुत। इतनी इतनी सी भी गलती नहीं करी गाड़ी में तो और क्या, शहर का मामला अलग होता है ना, जिगजैग ड्राइविंग गलत चीज है, आपको कंट्रोल ये होना चाहिए। अब आप स्पीड ले रहे हो, आपके आगे डिस्टेंस कितना है,
मैंने कहा भाई हिसाब से चल। ऑटो वाला जो है दो वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरे नाम अब तक उसी उसी गाड़ी की स्पीड के बाद तो ट्रांसपोर्टर पिक्चर बनी है क्यों जेसन साहब चल लेते बोले स्पीड में ड्रग्स व्रग्स करने करते लक्की को बोला मेरे तो सो आराम से देखो तो आराम तो लेट के सोया उसने मुंह पे कपड़ा रखा मैं सोता रहा हाँ उसमें नेविगेटर सीट की साइड में तो सो आराम से बेल्ट लगा रखा तो यार चल लेते गाड़ी जर्क बेवकूफ थोड़ी है कि गाड़ी जर्क मार जाएगी ओ पहली बार में गाड़ी एक बार हाईवे पे डालने से पहले गाड़ी जो जर्क लेगी लेगी उससे बात नहीं है फिर तो चलने दे हिसाब किताब। और भाई साहब वो बीच बीच में वो बन रहे थे उसमें उस समय तो हाँ वो डाइवर्जेंस वाले बन रहे थे पूरे रास्ते पे वो सीधे जाती थी रोड पे हाईवे पे फिर एक क्या कहते हैं डी के चारों तरफ जैसे टर्न होता है वैसे बीच में कुछ काम चल रहा था नहीं क्या बना रहे थे मतलब हर 5 या 4 किलोमीटर पे एक था उस पे लेके आया वो गाड़ी रिफ्लेक्टर दिखते थे सिर्फ रिफ्लेक्टर पे चल रही थी गाड़ी चकाचक बढ़िया काम हुआ सुबह निकाली थी हमने 4:30 या 4 बज रहे थे 4 घंटे बाद तो लगा दी थी गाड़ी अमृतल पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड नेशनल हाईवे नंबर 1 पे उसके बाद तो फोर्ड आइकॉन वालों ने भी वो गाड़ी ढूंढ डांट के ले लगा के सजा के रखी थी ये है गाड़ी तो गाड़ी आइकॉन मारुति 800 भी ठीक है पर हाईवे पे सेफ नहीं लगती यार बैठने पे मारुति 800 तो बगल से जब दूसरी गाड़ियां निकलती है ना तो महसूस हो जाता है गाड़ी में फोर्ड में नहीं होता आइकॉन में नहीं हाईवे पे एवरेज ठीक है 25 की है वैसे 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 जो है 15 एसी पे 10 या 12 की है हाईवे पे एसी में निकाल देती है आराम से 20-25 एसी पे अरे रॉल्स रॉयस मैंने कर लिया देख लेंगे क्या स्पीड है आओ ऐसे और इधर से उधर से रास्ते बने हुए थे पहाड़ों में टफ है मैं ड्राइवर्स को देखता रहता हूँ ना बैठ के उनके हाथ में टफ है टफ बहुत टफ